आज हम एक ऐसी साइट पर हैं जहां हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से वास्तु नॉर्म्स के अंदर फिट नहीं आती है। ये एक सुरंग नुमा बिल्डिंग है, इसको वास्तु दोष के अंदर इस इफेक्ट को कहते हैं टनल इफेक्ट, यानी कि जहां पर लेंथ ब्रेड्थ 1.6 या एक स्क्वायर से कहीं ज़्यादा हो। तो इसकी करेक्शंस हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर एयर, किस प्रकार से लाइट फ्लक्स, किस प्रकार से सोलर एनर्जी और जियो एनर्जी इसको बिल्टअप करते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिद्धांत फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड एरोडायनामिज्म। एरोडायनामिज्म सिंपली मीन्स दैट नाउ वी विल कंटेन द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेयर बाय लेयर। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हम बेस के अंदर रखेंगे, उससे कम उसके ऊपर और उससे कम उसके ऊपर। इस पूरी टनल को किसी भी प्रकार से आकाशीय कनेक्शंस को जोड़ने के लिए हम एक शाफ्ट की बिल्डिंग कराएंगे। इस तरह से एक शाफ्ट जो कि ऊपर जिसका संबंध आकाश के साथ हो, और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिससे कि हम यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी जनरेट करेंगे, और इस एनर्जी को हम आकाश माध्यम से नीचे बिल्डिंग के हर एक फ्लोर तक लेकर आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी बायोलाइन किस प्रकार से और कहाँ पर आई हुई है, और हम उसको किस प्रकार से इस टनल इफेक्ट के प्रभाव से दूर कर कर उसको रोकेंगे। ये लगभग इस टनल का, इस जगह का आखिरी कोना है, इसलिए यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट करके एल शेप के अंदर नीचे रोकेंगे। चूँकि हमें हवा और पानी की भी यहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं करेंगे, और इस दीवार को बनाने के बाद इसमें ऊपर हम विंडोज़ क्रिएट करेंगे, और इस ऊर्जा को जिस प्रकार से हम एक तरीके से रोक भी लेंगे नीचे, वी विल ट्राई सम इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर ऑल्सो, और उसके बाद हम इसको खुला भी रखेंगे ताकि प्राकृतिक रूप से हवा और पानी हमें मिलती रहे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम बायोलाइन को देखते हैं कि इनफैक्ट ये बायोलाइन जा कहाँ रही है। टनल इफेक्ट को दूर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका रहता है कि हम किसी प्रकार से जहाँ से भी प्रवेश करें, एंट्रेंस जो हमारी हो, वहाँ से एक कनेक्शन बिल्ट अप करें जो उस कनेक्शन को पूरी बिल्डिंग के अंदर लेकर जाए दोनों साइड की वॉल्स के ऊपर। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, एक सिंगल लाइन जो लाइन इस पूरी बिल्डिंग के शुरू से लेकर और लास्ट तक लेकर जाएगी जहाँ तक हम ये बिल्डिंग का अंतिम सिरा है, यानी कि एक सिंगल बटन के साथ ये पूरी बिल्डिंग एक साथ प्रकाशित होगी। बाकी के जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं या फैन पॉइंट्स हैं या वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं, वह सारे के सारे उन रूम लेवल्स की करेक्शंस के साथ होंगे जो भी हमारे रूम लेवल्स होंगे। बट दिस इज़ ए मैंडेटरी फीचर, ये एक निश्चित है कि हम एक ऐसा प्रोविज़न अवश्य करेंगे जहाँ पर सिंगल कंट्रोल के साथ हम इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक लाइट फ्लक्स दे सकें, एक ऊर्जा दे सकें। हमने देखा, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वह उस बिल्डिंग के अंदर टी पॉइंट की जो एनर्जी लाइन है वह लाइन कहाँ पर आ रही है, नंबर वन। नंबर टू, उसको ढूंढने के बाद हम उसको रोकेंगे, क्योंकि ये एक आउटर प्रीमाइसेस है, एक इसके अंदर बीम कॉलम स्ट्रक्चर क्रिएट कराकर सबसे पहले उसको बाहर रोकेंगे, और फिर वहाँ से उस कॉलम की हेल्प से लेकर उस पॉइंट के ऊपर लाइफ स्पाइरल जियो जंपर लगाएंगे, और उसके इर्द गिर्द हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे ताकि हम उसको वहीं पर ही सरकमवेंट करके वापस अर्थ के अंदर भेज सकें।